जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लंपी स्किन के सीरम के बारे में कि किस तरह हम अपने जानवरों के लिए खुद से सीरम तैयार कर सकते हैं, कितनी मकदार में जानवरों को सीरम लगाना चाहिए और किस तरीके से जानवर को सीरम लगाएंगे। इसके अलावा सीरम के मतलब जो भी आपके डाउट्स हैं वो इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो सीरम के लिए तो सबसे पहले आपको खून की ज़रूरत होगी। खून उस जानवर का लेना है जो कि लंपी स्किन से मुतासर होकर मुकम्मल तौर पर रिकवर हो चुका हो, यानी कि तंदुरुस्त जानवर का आपने खून लेना है। तो कैसे पता चलेगा कि जानवर तंदुरुस्त हो चुका है या नहीं, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं आपने देखना है कि जानवर को अमूमन ऐसा होता है कि चार से पाँच दिन जानवर को तेज़ बुखार होता है, जानवर का बुखार उतर चुका हो, जानवर के जिस्म पे जो सोजिश थी वो ख़त्म हो चुकी हो, जानवर बेहतर तरीके से खा पी रहा हो, इसके अलावा जो जिस्म पे दाने थे वो ख़त्म हो चुके हों या उन पर खरिंडू वगैरह आ चुके हों। जो इधर बेहतर होगा कि अगर कोई जानवर ज़्यादा बीमारी से मुतासर होकर दोबारा ठीक हो चुका है उसका खून लिया जाए तो उसमें ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होंगी और उसका सीरम ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि तंदुरुस्त जानवर से आपने कितनी मकदार में सीरम या खून लेना है। तो जो एक सेहतमंद जानवर होता है तकरीबन 300 से 400 kg का, उसमें उसके जिस्मानी वज़न का 7 से 8% खून होता है। लेकिन खैर हमें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, हमें बस 25 ml सीरम चाहिए। तो उसके लिए हमें 50 ml खून चाहिए होगा, क्योंकि खून में तकरीबन 55% प्लाज्मा होता है और बाकी सीरम होता है। तो इसी तरह अगर हम 50 cc खून ले गए तो उसमें से 25 cc हमें सीरम मिल जाएगा। तो खून निकालने के बाद आपने इसे वैक्यूम कंटेनर में डाल लेना है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या लेबॉरेटरी से मिल जाएगा। इसका रंग जो कैप का है वो पीला होना चाहिए, ये सीरम के लिए स्पेशल इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बाद आपने ये ब्लड है किसी भी लेबॉरेटरी जो आपके पास करीब है उधर ले जाना है और उसे कहना है कि आपको सीरम निकाल दे। 15 से 20 मिनट के अंदर आपको वो सीरम निकाल के दे देगा। इसके बाद आपने ये सीरम किसी भी सरिंज में डालकर 25 cc आपने अपने जानवर को लगा देना है। याद रहे ये 25 cc आपने बड़े जानवर को लगाना है जिसका वेट तकरीबन 400 kg के करीब है, मतलब कि छोटे जानवरों के लिए आपने 25 cc नहीं लगाना, उसकी मकदार आप कम कर देंगे। और ये आप सब कट लगाएंगे यानी कि जेरे जल्द लगाएंगे और इसका रिज़ल्ट आपको तकरीबन 12 से 24 घंटे के अंदर नज़र आ जाएगा। इसके बाद आप इसकी दूसरी डोज भी लगा सकते हैं, और अगर आपके पास ज़्यादा सीरम है तो आप उसे फ्रिज के निचले हिस्से में रख कर स्टोर भी कर सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए। इसके अलावा आप मुतासर जानवर का खून लेकर भी बराह रास्त आप अपने जानवर को वो खून भी लगा सकते हैं बगैर सीरम निकलवाए, लेकिन उसके लिए ख़ास टेक्निक की ज़रूरत होती है। बेहतर यही है कि आप लेबॉरेटरी से जाकर सीरम निकलवा कर लगा दें। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।